जो आ गया अथाह समुद्र। अब ये कैसे पार होगा भैया? प्रभु आप ही कोई उपाय सुझाइए। प्रणाम समुद्र देव, मैं दशरथ नंदन राम आपका अभिवादन करता हूँ। आपसे मेरी याचना है कि हमें मार्ग दें ताकि हम लंकापुरी तक पहुंच सके और उस दुष्ट रावण को उसके किए की सजा दे सके। ये तो जो कहते हो है, आपकी याचना का तो उन पर कोई असर नहीं हुआ। लक्ष्मण, किसी भी कार्य में याचना का स्थान बल से कहीं ऊंचा होता है, परंतु किसी की याचना को कमजोरी मान लेना मूर्खता कहलाती है। यह धर्म युद्ध है, कोई भी सागर या पर्वत हमारे मार्ग को रोकने में सक्षम नहीं है। आप सबने राम की याचना देखी है, अब समय आ चुका है शौर्य प्रदर्शन का। प्रणाम अग्निदेव। क्या हुआ समुद्रदेव? यदि आप पहले ही हमारी याचना पर आ जाते तो भैया को अपने बल का प्रदर्शन करना ही नहीं पड़ता। मैं विवश था प्रभु, मेरे अंदर जितने जंतु रहते हैं उनके प्राण संकट में आ सकते हैं, अतः मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पाया। आप सब निराश ना हो, आपकी सेना में नल और नील नामक दो वानर हैं। उन्हें यह वरदान है, जिस भी वस्तु को स्पर्श करेंगे वह जल के सतह पर तैरती रहेंगी। वही होंगे निर्माता इस अलौकिक राम सेतु के। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।